गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये जो मेरा वीडियो होने वाला है वो वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, और साथ ही साथ में जो लोग भी इस वीडियो को देखना चाहते, जो लोग भी ये जानना चाहते कि इंडिया में आज इनोवेशन से रिलेटेड कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव जारी किया जा रहा है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, अगर आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देंगे तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर आप मेंस का जीएस पेपर देखेंगे तो भी उसमें ये लिखा हुआ है, यूपीएससी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जो टॉपिक यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ में आप जानते हैं सिविल सर्विस या फिर आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें एक पेपर ऐसे का होता है मेंस में, जिसमें कि आपको 2500 वर्ड्स में दो ऐसे लिखने होते हैं 1200 के रेशियो में। तो उस केस में भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड अगर और साथ ही साथ में दो क्वालिफाइंग मेजर के पेपर होते हैं यूपीएससी के मेंस में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो कि 300 मार्क्स का होता है, तो उसमें भी आपको ये समझने में मदद करेगा, क्योंकि उसमें भी आपको ऐसे लिखना होता है और साथ ही साथ में आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो स्ट्रांग होना पड़ता है। एंड अगर आपका ऑप्शनल है, मान लीजिए आपका ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी है, तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ऑप्शनल कवर होगा इस टॉपिक से, क्वालिफाइंग पेपर्स जो दो होते हैं वो कवर होगा, साथ ही साथ में एक एसे का पेपर कवर होगा, मेंस का पेपर कवर होगा, जीएस का एंड प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो कवर होगा। तो देख लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, जिसका नाम है इंडियाज इनोवेशन होराइजन। टॉपिक ही बताता है यहाँ पे, हमें पूरी तरीके से इनोवेशन होराइजन के बारे में, इनोवेशन के बारे में डिस्कस करना है, जो जो भी सिनारियो इंडिया में चल रहा है, क्या इनोवेशन होता है, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लाई गई हैं, क्या क्या अभी लॉकडाउन में जो हमारे यहाँ भी कोविड-19 पेंडेमिक के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रिकमेंडेशंस किए हैं, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ लीजिए, आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ में बने रही है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास में हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल है, मैं उसी से आपको यहाँ पे डील करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं आपको डील कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स टोटल डिस्कस किए हैं, देखिए 10th यहाँ पे और 11th पॉइंट में टोटल यहाँ पे क्रक्स हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश क्या है कि इनोवेशन क्या होता है। तो देखिए, इनोवेशन क्या होता है, कि रीअरेंजमेंट होता है किसका, एग्जिस्टिंग एलिमेंट इंटू प्री म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दैट बेनिफिट सोसाइटी। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा प्री म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे देख लीजिए, अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारे कोरोना वायरस के नोवेल कोविड-19 के जो पेंडेमिक हुआ था, उसी में इंडिया में ढेर सारे इनिशिएटिव डेवलप हुए हैं, और साथ ही साथ में एक ऐसा मंच और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के रूप में है। आज हमारा कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, जिसमें कि ढेर सारे इकोनॉमिक और सारे ढेर सारे यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में पोटेंशियल है, कैसे पोटेंशियल है भाई इनोवेशन का, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि अभी जो ग्राउंड है ना इंडिया की, वो फर्टाइल है, मतलब वहाँ पर कोई भी इनोवेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हैं। टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। किस केस में, इंटरनेट यूसेज के केस में, क्योंकि हमारे यहाँ 700 मिलियन यूजर्स हैं, साथ ही साथ में ये जो यूजर्स हैं वो 924 मिलियन होने वाले हैं 2025 तक। हमारे यहाँ जानती हैं जनधन, आधार एंड मोबाइल, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है, और साथ ही साथ में इन दोनों को कनेक्ट करने के जरिए मोबिलिटी भी डेवलप हो चुकी है, और साथ ही साथ में एसेसिबिलिटी भी बढ़ चुकी है। आज हम लोग प्रोग्राम्स को ईजिली कहीं भी डिलीवर कर पा रहे हैं, पीडीएस सिस्टम आप जानते हैं। तो अभी हमारे पास इन तीनों के जरिए देखा जाए तो तीनों को मिला के पूरी 405 मिलियन अभी हमारे यहाँ इसके कंज्यूमर्स हैं। जनधन बैंक अकाउंट में टोटल 1.2 मिलियन हो चुके हैं, आधार कार्ड भी हमारे यहाँ 1.2 मिलियन के लगभग में है, सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे हमारे इंडिया में दिखा रहा है, और ये सब मिल के इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2035 तक वो $957, मतलब $957 अरब की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, मतलब उतना हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूशन कर सकता है डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बढ़ने का हमारे यहाँ संभावना है। तो जो
इनोवेशन होता है ना, जो हमारे इंडिया में इनोवेशन होगा वो मेनली किस पे होगा, वो मेनली तीन चीज़ों पे डेवलप हो सकता है, कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। देखिए इन्हीं तीनों चीज़ों को दिखाने के लिए जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, जब तक चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन उससे रिलेटेड नहीं होगा, इनोवेशन से रिलेटेड, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए ना, तो हमारे इंडिया में इनोवेशन जो होगा वो बहुत तेज़ी से बूस्टअप हो सकता है। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था लियोनार्डो, उन्होंने ऐसे लिखा था जिसका नाम था आई पेंसिल, और उसमें उन्होंने यही समझाने की कोशिश किया था कि किस प्रकार से जो इनोवेशन है, किस प्रकार से जो कोलैबोरेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपको एक अगर पेंसिल ख़रीदना होता है ना, तो दोस्तों उस पेंसिल के लिए एक लकड़ी चाहिए होता है, ग्रेफाइट चाहिए होता है, फैक्ट्री चाहिए होता है, मार्केटिंग चाहिए होता है, डिज़ाइनिंग चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है, और साथ ही साथ में उसके लिए आपको एक सिंगल पेंसिल बनाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यही बोल रहा है कि अगर कोलैबोरेशन होता है तो ये चीज़ें इजीली हो जाती है। तो कोलैबोरेशन को समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया था। हमारे पास में जो फिफ्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट यही बता रहा है कि जो इनोवेशन है वो आखिर है क्या। इनोवेशन एक रिकॉम्बिनेंट एंड क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट है एंड ब्रिंग्स टैलेंटेड बेनिफिट्स थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मे नॉट इवन हैव बीन इट्स इनिशियल पर्पस। जरूरी नहीं है कि शुरू में अगर वो चीज़ डेवलप हो रही है तो वो उसी चीज़ के लिए डेवलप हो रहा है जिसके लिए हम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो ट्विटर के फाउंडर्स थे, तो ट्विटर बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था, सिंपली पॉडकास्ट करना मकसद था। जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के बनाने के पीछे मकसद क्या था, वो सिंपली एक साइन इन एप्लीकेशन था। वैसे ही क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, उसका शुरू का जो मकसद था, स्टार्टिंग का जो मकसद था, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जीन एडिटिंग टूल है, उसका शुरुआती का मकसद केवल योगर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना था कि किस प्रकार से वहाँ पर प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकें, जिसको कि इस साल का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में जो इनिशिएटिव या फिर जो इनोवेशन होते हैं वो उसी काम के लिए हो सकते हैं जिसके लिए वो बनाने की कोशिश कर, नहीं, इनोवेशन के बाद में और भी ज़्यादा बेनिफिट या फिर बाद में उसका और न्यू रूप डेवलप हो सकता है, न्यू शेप एंड न्यू फेसेस डेवलप हो सकते हैं। हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ अक्टूबर 2020 में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, जिसका नाम था, उसी में से एक था जिसका नाम था कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन। कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन क्या था, कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन एक ऐसा हब था, एक ऐसा समिट था जिसका नाम था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जिसको हम बोलते हैं वैभव। वैभव एक समिट था जिसमें दुनिया के 55 देशों से ढेर सारे, यानी कि मोर देन 10,000 इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट थे वो अपना मत दिए थे, डिबेट में पार्टिसिपेट किए थे कि किस प्रकार से इंडिया के डेवलपमेंट में, किस प्रकार से इंडिया के इनोवेशन के डेवलपमेंट में भूमिका निभानी है, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या इनिशिएटिव, किस प्रकार से आइडियाज़, ये सब उन्होंने देने की कोशिश किया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रू संगम के नाम से बोला था। सिंपल सी बात है, इतने साइंटिस्ट का संगम ही तो था जो कि देश को, विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने अपने यहाँ पे पॉइंट्स को रखे थे। उसका जो कंक्लूडिंग सेशन था वो 31 अक्टूबर को होने वाला है, और उसी का जो कॉन्कमिनेंट होगा जिसका नाम था रिस्पॉन्सिबल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। देखिए रेज, ये दोस्तों ऐसे पॉइंट्स, जैसे रेज हो गए यहाँ पे, ये एक ऐसे पॉइंट है जो कि आपसे प्री में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम है वो किस लिए है, हाल ही फिलहाल में जो समिट हुआ था उसका क्या मकसद था। आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो कि नॉर्मली SSC के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये समिट होने वाला है, उसका होने वाला था, उसका मतलब यही था कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोशल एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया जा सकती है, किस प्रकार से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, दैट इज द मीनिंग। हेल्थ केयर में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, इन सब में क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है, कल्चर, फाइनेंस में, एजुकेशन में, स्मार्ट मोबिलिटी में क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसी के लिए वहाँ पर किया गया था समिट। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं मेंशन करूँगा वो यहाँ पे ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से इंडिया में न्यू इनिशिएटिव डेवलप हुए हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया, वैसे ही ढेर सारे इंडिया में हमारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे, स्टार्टअप या फिर हमारे न्यू इनोवेशन देखने को मिले थे IT सेक्टर में। जैसे अब आप जानते हैं कि जो हाल ही फिलहाल के डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चैलेंज, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चैलेंज का जो
विनर है वो चिंगारी एक एप्लीकेशन है, वही है उसका विनर। चिंगारी एप्लीकेशन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक बैन किया उसी समय इसका ओरिजिन हुआ था, चिंगारी एप्लीकेशन जो कि एक वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है टूल्स है। और साथ ही साथ में एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैप माई इंडिया एप्लीकेशन। वो क्या है, वो इलेबोरेटिव मैप को दिखाने के लिए बनाया गया है। लॉजिकली भी एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए, जिसका फीचर क्या है भाई, जिसका फीचर जो है वो न्यूज़ डिलीवरी फीचर्स है। साथ ही साथ में सेतु ऐप डेवलप हुआ जिसका काम ही है बिल्डिंग अ ब्रिज टू ब्रिंग बैंक टू पीपल एंड बिल्ड एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच अलाउज कस्टमर्स टू मेक अ स्मॉल टिकट पेमेंट विदाउट गोइंग टू द बैंक। ये इसका फीचर्स है। येलो एप्लीकेशन भी डेवलप हुआ दैट इज ऑफरिंग न्यू बैंकिंग पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर सर्विसेज ऑनलाइन फॉर वर्कर्स इन गिग इकोनॉमी। वर्कर्स के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो मनी का काम करता है वो येलो ऐप करता है। निरामय भी एक एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है नॉन इन्वेजिव रिस्क असेसमेंट विथ मशीन इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकता है और अर्ली स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है, जिसका नाम है निर्मयी। तो दोस्तों कुछ ये ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो कि हाल ही फिलहाल में डेवलप हुए हैं और वो दिखा रहा है कि किस प्रकार का जो इंडिया का लैंड है वो कितना फर्टाइल है इनोवेशन को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर लैंड का मतलब है इंडियन पीपल, ह्यूमन रिसोर्स कितना वो डेवलप है, कितना कैपेबल है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। उसी प्रकार से क्योर आई एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। ग्रामोफोन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मंडीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वहाँ के साथ ही साथ में लोगों को सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्रॉप के हेल्थ के बारे में फार्मर्स को बताएगा, ये सब के सब कितना आपको उसमें फर्टिलाइजर डालना है सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेगा, जो क्योर ऐप है यहाँ पे, क्योर AI। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है वर्नाक्यूलर AI। वर्नाक्यूलर AI भी एक ऐसा ही इंटरफेस है जो कि यहाँ पे आपको वॉइस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेगा। आप वहाँ पे वॉइस बोल के, वॉइस के जरिए यानी कि आप अपने आवाज़ देख वहाँ पे सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जो कि 10 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा इंडिया में और साथ ही साथ में 160 डायलेक्ट्स को। तो हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव हुए हमारे यहाँ। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस प्रकार से इनिशिएटिव ले गए हैं, तो हमारे जो 9 पॉइंट है उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये समझाने की कोशिश किया है कि भैया गवर्नमेंट को एक ऐसा सेफ प्लेस बनाना होगा, एक कम्युनिटी में ऐसा सेफ टेंडेंसी डेवलप करना होगा कि अगर आप फेल करते भी हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं वो लड़का हमेशा एग्जाम में बेहतर करता है जिसको एग्जाम में फेल होने का डर नहीं होता है। अगर आप जजमेंट से डरेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भूल जाइए कि क्या होने वाला है, आप तुरंत डेवलप कर जाएंगे। तो यहाँ पे ही बताने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि भैया फेल होइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप अपने दिमाग अपने इनोवेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव डेवलप किया है जिसमें से एक नाम है इंस्पायर। इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्पायर का फुल फॉर्म जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया, इंसेंटिवाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद सेवरल स्कीम सच एज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप। और साथ ही साथ में स्कॉलरशिप भी डेवलप हुए हैं इनोवेशन को प्रमोट करने, जिसमें से रामानुजन फेलोशिप, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सरिंग जिसका फुल फॉर्म है किरण, सॉरी जिसका शॉर्ट फॉर्म है किरण, स्मार्ट इंडिया हैकथम SIH, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लाया गया M, द बायोटेक्नोलॉजी इग्नाइजेशन ग्रांट जिसको बोलते हैं बिग स्किन, सेटिंग अप फॉर द फ्यूचर स्किल प्राइम जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर री स्किलिंग अप स्किलिंग ऑफ IT मैन पावर फॉर इम्प्लॉयबिलिटी, कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म एंड सो द ट्रायड ऑफ स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस जिसका फुल फॉर्म है स्टार्स, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन स्पार्क एंड इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस इम्प्रेस। तो दोस्तों कुछ ये ऐसा प्रोग्राम है, कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है जो अलग अलग सेक्टर में, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया वो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट इनोवेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एक प्रोग्राम इंस्पायर है, दूसरा किरण है, तीसरा M है, चौथा बिग स्कीम है, पाँचवा इम्प्रेस है, ये सब ऐसे स्कीम है, छठवा स्टार्स है, दिस इज द स्टार्स, जो कि इनोवेशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप डेटा, डीप लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ये सब वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसको कि अभी डेवलप करना है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इंडिया में हमारा, और यही टाइम है कि इंडिया में हमारा ये सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकते हैं। अब देखिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंपॉर्टेंट है, इस साल 2020 का जो IAS का प्रयोग हुआ था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, मशीन लर्निंग से भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, डीप लर्निंग से, बिग डेटा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, हर एक साल इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखिए चाहे प्री के क्वेश्चन पेपर देखिए। अब हम जो यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब ने बोल दिया है कि भैया अगर कोई भी इनोवेशन होता है तो हम अपने यहाँ जरूर लागू करने की, पायलट बेसिस पर लागू करने की कोशिश करेंगे। पायलट बेसिस मीन्स पहले उन आइडियाज़ को हम अपने यहाँ लागू करेंगे, अगर सक्सेस होगा तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। इन्होंने हामी भर दिया। और हाल ही फिलहाल में ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया है कि इंडिया में क्लाउड सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेंस के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस का आंसर इनोवेशन से रिलेटेड लिख रहे हैं तो। साथ ही साथ में प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका इंस्पायर से रिलेटेड, किरण से रिलेटेड, एम से रिलेटेड, बिग से रिलेटेड, प्राइम से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड, प्रेस से रिलेटेड, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्कस किया वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एक ऐसा पोटेंशियल फ्यूचर को डेवलप करने के लिए जहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे वो आपको एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आपके कमर्शियल इकोनॉमी में बूस्टअप लाएंगे, क्लीन एनर्जी में बूस्टअप लाएंगे, साथ ही साथ में आपकी इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही जीन ड्राइव जो इकोनॉमी होगी वो इन्वेसिव और हार्मफुल स्पीसीज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जीन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होगा वो आपको क्या करेगा, री इन्विगरेट करेगा इकोसिस्टम को, प्रमोट करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा टू रिजॉल्व चैलेंजेस विच सीम्स इनसरमाउंटेबल एंड ऑगमेंटेड, जिसको कि हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम कभी पा नहीं सकते थे, क्वांटम कंप्यूटिंग उस टेक्नोलॉजी को और उस स्पीड को पाने की कोशिश करेगा। वर्चुअल रियलिटी विल ऑप्टिमली चेंज द वे वी इंटरफेस विद द फिजिकल वर्ल्ड, इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी से भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा था 2020 में, उसके पहले भी वर्चुअल रियलिटी से क्वेश्चन पूछे थे। तो ये हमारा कुछ टेक्नोलॉजी का कुछ पॉइंट्स था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है और यह भी बता दिया कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको डीपली पढ़िए। जहाँ भी कोई समस्या हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर इसमें कुछ सजेशन दूंगा कि कैसे आपको मेंस का आंसर लिखना है, इसको देख के कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। बस मैंने अभी आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया है, दैट इज द मीनिंग। थैंक यू सो मच।